नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आशीष अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं अग्निहोत्री जी टेक्निकल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आए हैं, या यूं कहें आप लोगों को एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप लोगों ने अक्सर एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में देखा होगा। चाहे आप एयरपोर्ट जाते हैं या किसी भी मॉल में जाते हैं, तो गार्ड के हाथ में एक डिवाइस होता है जिससे वो आप लोगों को प्रॉपर स्कैन करता है कि वाकई आपके पास कोई वेपन ना हो या कोई किसी तरीके के वेपन को अंदर ले जाके कोई मिस हैपनिंग्स ना कर दे। तो दोस्तों, एक इस तरीके का कुछ डिवाइस होता है जिसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। इसकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग। इसे कहते हैं हम हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। ये एक वेपन पता करने के लिए होता है कि आपके पास कोई भी किसी प्रकार का हथियार ना हो या आपके पास किसी भी तरीके का अनवांटेड ऐसी चीज ना हो जिससे किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग। इसके अंदर क्या आता है, ये कैसे यूज करते हैं, आप लोगों को प्रॉपर बताने जा रहा हूं, तो कृपया मेरे साथ बने रहिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ओपन करने के बाद बॉक्स के अंदर इसमें सबसे पहले इसका चार्जर मिलता है। तो चार्जर हम देख लेते हैं, तो किस तरीके का इसका चार्जर आता है। यहां पे एक चार्जर दिया गया है जिसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका 100 to 270 वोल्ट 50 गीगाहर्ट्ज पे इसका है, और जो आउटपुट ये देता है वो 4.8 वोल्ट पे ये काम करता है। इसकी जो मोटी वाली पिन आती है उस तरीके का ये चार्जर दिया जाता है इसके साथ में। और अगर हम बात करते हैं इसके मेन डिवाइस की, तो मेन डिवाइस इस तरीके से आता है। इसको कहते हैं हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। आप लोगों ने इसी तरीके का देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ में, जो कि जिससे वो आपकी पूरी बॉडी को स्कैन करता है ताकि वो सिक्योर हो सके कि आपके पास किसी भी प्रकार का अनवांटेड ऐसा कोई वेपन ना हो जिससे आप अंदर जाके किसी भी तरीके का एक मिस हैपनिंग क्रिएट कर सकें। तो दोस्तों, ये किस तरीके से काम करता है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसके साइड में एक छोटा सा बटन दिया गया होता है ऑन ऑफ। ये बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है जिसको आप इस जगह से चार्ज कर सकते हैं, जो कि चार्जर इसके साथ में ही प्रोवाइड होता है, जो कि काफी फुल डे का बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देता है। इस जगह में आपको एक स्पीकर मिल जाता है जो कि आपको बीप साउंड प्रोवाइड करता है अगर कोई भी किसी भी प्रकार के अनवांटेड चीज इसके कॉन्टेक्ट में आती है, जैसे कि किसी भी प्रकार का मेटल चीज हो गई या किसी भी प्रकार के कॉइन्स हो गई या मोबाइल्स हो गया, जहां पे किसी भी जैसे कहीं कहीं रिस्ट्रिक्टेड होता है जहां पे आप लोग मोबाइल्स नहीं ले जा सकते हैं, तो उस जगह पे भी ये डिवाइस यूज किया जाता है। तो अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट एक स्विच होता है, इसको आपने ऑन किया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर लाइट जल गई है। अब हम देखते हैं इसको अपनी बॉडी पे स्कैन करके। यहां से मैंने स्कैन करना शुरू किया है, अभी तक कोई भी अनवांटेड चीज नहीं आई है, तो इसने बीप नहीं किया है। अब हम बात करते हैं इसको कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास अभी की है, तो मैं अपने हाथ को स्कैन करता हूं इसके सामने। जैसे कि हम स्कैन करते जा रहे हैं, अब ये देखिए की के कॉन्टेक्ट में आते ही ये बीप करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये काम कैसे करता है, इसके अंदर कुछ बैटरी सेल्स होते हैं। अब हम इसको पहले बंद कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो इसके अंदर बैटरी सेल्स पड़े होते हैं जो कि चार्ज हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये जो रिंग आप देख रहे हैं, इस रिंग में कुछ मैग्नेटिक वायर्स पड़े होते हैं जो कि मेटल के कॉन्टेक्ट में आते ही वो बीप करना शुरू कर देते हैं, ताकि किसी भी अनवांटेड जगह पे अगर किसी मेटल की बीप की सुनाई देती है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई बीप है, जैसे कि पैरों के पास में लोग अक्सर जूते पहनते हैं, पैरों के पास में अगर वहां पे कोई बीप सुनाई देती है, तो सिक्योरिटी गार्ड को एक शक होता है कि यहाँ पे कुछ हमें हो सकता है कि यहाँ पे कोई वेपन आप लोगों को दिखने को मिल सकता है। तो सिक्योरिटी गार्ड आपको बोलेगा कि यहाँ पे मेरे को चेक करवाइए कि मेरे को शक हो रहा है कि आपके पास कोई वेपन नहीं है। तो उस केस में आपको चेक करा सकते हैं, खुद को वहां पे प्रूफ कर सकते हैं कि मैं एक इनोसेंट बंदा हूं और मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास कीज है, मोबाइल्स हैं, तो आप लोगों को उसको दिखा देते हैं कि मेरे पास यही चीज है। उसके बाद वो प्रॉपर चेक करता है, अगर आपका कोई बीप नहीं होता है तो आपको वो इनोसेंट प्रूफ करके आगे जाने के लिए दे देता है। लेकिन अगर उस केस में कोई थीफ होता है जिसके पास वेपन होता है, तो वो वहां पे डर जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तो सम केसेस में अगर ऐसा कोई हादसा होना होता है, तो उस टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और वो पुलिस के साथ में कॉन्टेक्ट होके उस थीफ को पकड़वाने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में ये काफी हेल्पफुल हो जाता है। आप लोगों ने और भी तरीके के डिवाइस देखे होंगे, जैसे कि इस फोटोज में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डोर्स टाइप का बना हुआ है। एक डोर टाइप का रहता है जिसमें से आप क्रॉस करके जाते हैं, तो वो भी सेम प्रकार का मेटल डिटेक्टर ही होता है जिसके तहत आप उसके अंदर से क्रॉसिंग करते हैं, तो वो आपकी बॉडी के साइड से पूरा स्कैन करके आपको बता देता है कि आपके पास इस तरीके का कोई भी डिवाइस नहीं है। उसके बाद में जहां जहां पे रह जाता है वो स्कैन करने में, वहां पे ये डिवाइस हेल्प करता है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथ से आपको स्कैन करके चेक करके आगे जाने देते हैं। तो दोस्तों, मैंने अब आपको बताया कि ये किस हिसाब से काम करता है। तो ये किसी भी मेटल
की जगह पे कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही ये बीप साउंड प्रोवाइड करता है, जिससे कि सिक्योरिटी गार्ड को पता लग जाता है कि आपके पास कोई ना कोई इस तरीके का प्रोडक्ट है या डिवाइस है जिसके अंदर जाने से कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। तो उस केस में सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी अलर्ट होने के बाद और ये मेटल डिटेक्टर यूज़ करके वो आपका जो अनवांटेड चीज़ है अपने पास रख लेगा, या तो वो ये कह देगा कि आप ये चीज़ बाद में ले जा सकते हैं, या अगर आपके पास कोई अनवांटेड चीज़ ऐसी है जो अंदर नहीं ले जा सकते हैं या आप उसको ले जाना ही चाहते हैं तो उस केस में आपको वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने मेटल डिटेक्टर के बारे में आप लोगों को काफी कुछ डिटेल्स बताए हैं कि कैसे काम करता है ये। इसकी हाँ मेन बात ये रह गई कि इसकी प्राइसिंग क्या है। इसकी प्राइसिंग लगभग 1400 से लेके 5000, 6000, 10000, 20000 अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से, अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से इसकी प्राइसिंग होती है। हालांकि मेरे पास जो ये डिवाइस है इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये 2500 रुपए के करीब में आता है, लेकिन हमें ये जो मिला हुआ है वो होलसेल रेट के हिसाब से मिला है, तो इसके जो प्राइसिंग है वो 1800 रुपए के करीब में हम लोगों को पड़ी है। हालांकि मार्केट में 2500 रुपए का ये मिलता है। आप ये कह रहे होंगे कि मेरे पास डिवाइस आया क्यों और ये मैंने क्यों ले रखा है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरे फादर का एक सिक्योरिटी बिजनेस है, तो फैमिली बिजनेस है जो कि सिक्योरिटी का है, जिसमें हम सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से ही मुझे एक ये मेटल डिटेक्टर आज मेरे फादर के पास में मुझे मिला है। मैंने कहा उनसे मैं इसका एक रिव्यू करना चाहता हूं, लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूं कि किस तरीके से काम करता है, तो मैंने उन्हीं से ये डिवाइस को बोरो किया है। मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना चाहता हूं कि ये कैसे काम करता है और ये कितने का आता है, कैसे दिखता है ये डिवाइस, तो मैं आप लोगों को प्रॉपर एक हैंड्स ऑन रिव्यू देना चाहता था कि इस डिवाइस के बारे में। तो आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए एक और डिवाइस का रिव्यू लेके आने वाला हूं, जो कि है वॉकी टॉकी। वायरलेस वॉकी टॉकी होते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सिक्योरिटी गार्ड्स अपने साथ में रखते हैं, या आप तक मॉल में जाते हैं तो वहां पे भी कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं जो आपस में अपने साथ में एक वायरलेस डिवाइस रखते हैं, और तो और आजकल पुलिस वाले भी अपने साथ में एक वायरलेस डिवाइस रखते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को उसके बारे में प्रॉपर रिव्यूज चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, और आपको इस डिवाइस के बारे में वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो जो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा वो काफी अच्छी होगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।